हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ए टू जेड टीच। में दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस होगा कि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों फिर से एक लाया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग का डिमांड पे। दोस्तों इसमें दिया गया है कि त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री हो, दूसरी कोण 40 डिग्री हो तो तीसरी कोण क्या होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पहले बना चुके थे, ठीक है, फिर भी एक बार और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो मान के चलिए त्रिभुज इस प्रकार की है, राइट। तो एक कोण कितना है 60 डिग्री, तो इसको मान लेते हैं 60 डिग्री और इसको मान लेते हैं 40 डिग्री, ठीक है। किसी को भी मान सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। तो मान के चलिए इसका है 40, तो तीसरा कोण इसको मान लेंगे, इसको एक्स। तो नाम देते हैं दोस्तों ए बी सी। तो आपको मालूम होगा दोस्तों कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, कितना होता है 180 डिग्री। तो कौन सा कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो मान के चलिए यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज का तीनों कोण का योग। तो पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, इसका योग कितना होगा 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब कोण ए का मान कितना है 60 डिग्री, बी का मान कितना है एक्स निकालना है और सी का मान कितना है 40। तो यहाँ 40 डिग्री, ठीक है, बराबर 180। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और 40 कितना हो गया 160 डिग्री, ठीक है, अब प्लस एक्स, ठीक है, तो कितना 180 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर अब 100 जो है बराबर की इस साइड जगह तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से घट जाएगा कितना 100 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ गया, कितना आ गया 80 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए x बराबर कितना हो गया 80 डिग्री। तो हम कह सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज की तीसरी कोण कितना हो जाएगा, कितना कितना आया 80 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 80 डिग्री, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।